अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़ और मैं हूं कशफ मलिक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि दिफाई इदारे के सरबराह की तकरीरी के लिए वज़ीर आज़म का स्वाबदीदा इख्तियार ख़त्म होना चाहिए। उनका कहना था कि दिफाई इदारे के सरबराह की तकरीरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा है कि पीडीएम और पीटीआई की सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। उनका कहना था कि हुक्मरान जमातें दिफाई इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें और इस्टेब्लिशमेंट भी सियासत से दूर रहें। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालना भी चाहते हैं और मौजूदा आर्मी चीफ को इस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात जुबान से कहना भी नहीं चाहते। इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया, लेकिन बाद में बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। तज्जियाकारों को लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अंडे के बगैर आमलेट खाना चाहते हैं। मांगा मंडी पुलिस ने तावान के लिए अगवा किया जाने वाला 5 साल बच्चा अहमद बाजियाब कर लिया, ताहम अगवाकार फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजमान बच्चे को स्कूल से रिश्तेदार बनकर अपने साथ ले गए थे। मांगा मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले 5 साल अहमद को बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अहमद को अगवा करने के बाद उसकी बाजियाबी के लिए 6 लाख रुपये तावान मांगा था। बच्चे की तलाशी के लिए पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में बच्चे के वालदैन के साथ रहे। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने खबरदार किया है कि 18 सितंबर से पंजाब के दरियाओं सतलज, रावी, चनाब और उनके मुलहक्का नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने 14 से 20 सितंबर तक मौसम का आउटलुक जारी करते हुए कहा है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हवा का दबाव बहुत कम है। हवा का ये कम दबाव मशरकी दरियाओं के बलाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हवा के इस कम दबाव के ज़ेर असर 18 सितंबर से दरियाए सतलज, रावी, चनाब और उनके मुलहक्का नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। पंजाब कमीशन बराए हकूक खवातीन की चेयरपर्सन की तकरीर 3 साल से नहीं हो सकी। कमीशन के 7 प्रोजेक्ट बंद हो गए। ज़राए के मुताबिक 2019 में पंजाब कमीशन बराए हकूक खवातीन की चेयरपर्सन फौजिया वकार को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद कमीशन में चेयरपर्सन की मुकर्ररी ना होने के बाद 7 प्रोजेक्ट बंद हो गए, जबकि कई प्रोजेक्ट सुस्तरवी का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक कमीशन के 9 मेंबर्स की जबकि 5 डिविजनल कोआर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी वुमेन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट समीर असमत का कहना है कि कुछ इख्तियार सिर्फ चेयरपर्सन के पास होते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट बंद हो गए। ओहदे में मजीद तोसी कबूल ना करके शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को मायूस कर देंगे। जनरल बाजवा नवंबर के आखिर तक रिटायर होना चाहते हैं और वो मजीद तोसी नहीं लेंगे। रवां साल अप्रैल में डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तखार पहले ही कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा कोई तोसी लेना चाहेंगे और ना वो इसे कबूल करेंगे। डीजीआई एसपीआर ने सियासी जमातों और आवाम से कहा भी था कि पाक फौज को सियासत में ना घसीटें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमआर न्यूज़। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाही, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाही, चिकन रेशमी कबाब, फिश ब्रोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तियाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप नज़्द गला मंडी लिया। प्रोप्राइटर मोहम्मद इकबाल। फोन 03008764611।